उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की एक प्रांतीय बैठक गोरखपुर नगर निगम में 12 जनवरी को आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश भर के कर्मचारी भाग लेंगे। इस आयोजित आवश्यक बैठक के बारे में कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष मोहम्मद अली वारसी ने बताया कि कर्मचारी महासंघ समय समय पर कर्मचारियों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराता रहता है। आयोजित इस बैठक में भी 17 सूत्रीय मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा और सरकार के सामने अपनी सभी मांगे रखी जाएंगी। आयोजित बैठक में प्रांतीय उपाध्यक्ष मोहम्मद अली वारसी के नेतृत्व में मुरादाबाद से भी कर्मचारी गोरखपुर के लिए ट्रेन से रवाना होंगे और बैठक में भाग लेंगे। हमें कर्मचारियों की समस्याओं के ऊपर मंत्रणा करनी है। आज से पूर्व भी कई बार हमने उत्तर प्रदेश सरकार शासन को अपने पत्रों द्वारा अवगत कराया कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर, लेकिन आज तक उस पर सरकार की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। ये बहुत ही अफसोस का विषय है, बहुत ही खेदजनक है हम सब लोगों के लिए। स्थानीय निकाय का जो कर्मचारी है अल्पवेतन भोगी है, 12, 14, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, जो बूढ़े होने जा रहे हैं उनका रेगुलराइजेशन होना चाहिए, उनका नियतिकरण होना चाहिए। और जो संविदा पर कर्मचारी कार्यरत है, जिनको 10 साल हो गए, जिनको 5 साल हो गए, जो जिनको 10 साल हो गए हैं उनको उनका रेगुलराइजेशन होना चाहिए, और जो 5 साल हो गए उनको 18,000 रुपये वेतन दिया जाए, जो और कर्मचारियों को दिया जा रहा है। सारे जितने भी संविदा पर हैं जिनको अब आउटसोर्स कर दिया गया है, वो आउटसोर्स के माध्यम से उनका उनको वेतन दिलाया जा रहा है, दिया जा रहा है। लिपि के संवर्ग में जो विसंगतियां हैं वो दूर की जाएं, राजस्व संवर्ग में जो विसंगतियां हैं उसको दूर की जाएं, इसी तरह से लेखा संवर्ग है उसमें जो विसंगतियां हैं उसको दूर की जाएं। कर्मचारी से क्या कहेंगे? हम कर्मचारियों से यही कहेंगे, क्योंकि कर्मचारी हमारे पर भरोसा करता है। हम कर्मचारियों को पूर्व की भांति इस बार भी आश्वासन ही दे रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, तुम्हारी समस्याओं का समाधान कराएंगे, और हमें सरकार से भी पूरी उम्मीद है कि ये सरकार जो है समस्याएं जो कर्मचारियों की लंबित हैं उनका शीघ्र निस्तारण करेगी।